सागर के आदर्श गार्डन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाजपा की सदस्यता ली। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये देश के नव निर्माण का समय है, इसमें युवाओं की भूमिका बेहद आवश्यक है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा युवाओं के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए युवाओं से बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का आह्वान किया। मंगलवार को सागर के मोतीनगर क्षेत्र स्थित आदर्श गार्डन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष यश अग्रवाल के नेतृत्व में ये नव मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आमतौर पर नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, इसमें भाजपा के पदाधिकारी और ऐसे लोग शामिल होते हैं जो नव मतदाता ही हैं, लेकिन भाजयुमो के अध्यक्ष यश अग्रवाल को मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने बड़ी संख्या में नव मतदाताओं को एकत्रित कर उनके भीतर राष्ट्रवाद की भावना को भरा। नव मतदाता सम्मेलन में आज यहाँ सम्मिलित हुआ हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुरूप आगामी 2047 का भारत और आज 18-19 साल के नए नौजवान जो इस भारत का नेतृत्व है, ये भविष्य के निर्माता हैं। इन नौजवान साथियों को आज मोदी जी उन्हें प्रधानमंत्री बने और इसको लेकर के नए भारत का निर्माण नई तकनीक के साथ दुनिया के अंदर आत्मनिर्भर भारत बनने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये नौजवान पीढ़ी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का एक ब्रांड एम्बेसडर बन करके भारत के अंदर अपनी भूमिका निभा रही है। सागर के अंदर ही अपनी भूमिका निभा रही है। मेरी बहन लता वानखाड़े जो हमारी लोकसभा की लोकप्रिय प्रत्याशी है, जो पंच से लेकर के पता नहीं कितने कितने जिम्मेदारियों पर रही, आज देश के सर्वोच्च सदन की प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। इस बार हम सागर लोकसभा में हर बूथ पर 370 प्लस वोटों के साथ हम इतिहास बनाने का काम करेंगे। ऐतिहासिक बहुमत से मध्य प्रदेश की 29 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की। बच्चों की